आज हम पढ़ेंगे 7E का पहला क्वेश्चन। देखिए दिया गया है 800 पर 5 वर्ष की ब्याज 3/1/2 वार्षिक दर से ज्ञात करें। मतलब देखिए वार्षिक दर से 3/1/2 वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इसमें साधारण ब्याज करना है। देखिए 800 रुपये पर, मतलब 800 रुपये उसके पास थे, मूलधन ये दिया गया है और 5 वर्ष दिया गया है, मतलब समय दे दिया गया है ना, 5 वर्ष समय दे दिया गया। और दर वह 3%, देखिए 3/1/2% मतलब दर है, दर दे दिया गया। साधारण ब्याज याद करना है। तो जैसे साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सभी सूत्रों को देख लीजिए क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में सौ। अगर पूछा जाए कि मूल याद कीजिए, मूलधन याद कीजिए, तो मूलधन बराबर होता है, मूलधन बराबर देखिए 100, इसको 100 जो है इसकी इस तरह इधर गुणे भाग में, इधर गुणे में लेके जाइए। साधारण ब्याज गुणे 100, इधर गुणे में इधर आएगा, इसके नीचे भाग हो जाएगा। तो दर मूलधन निकालने, दर गुणे समय नीचे चला आएगा, दर गुणे समय जो है नीचे चला आएगा। इसी प्रकार से अगर हमको दर ज्ञात करना हो तो दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। अगर समय ज्ञात करना हो तो समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में दर गुणे मूलधन। जो भी हमको अगर देखिए सिर्फ साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना होगा, साधारण ब्याज में मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होगा। नहीं तो अगर मूलधन दर या समय कुछ भी ज्ञात करना होगा तो साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर होगा और ये नीचे होगा। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिया गया है 800 पर, 800 पर वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज 3/1/2 वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए मूलधन दिया गया है, ये क्या है मूलधन, मूलधन कितना दिया गया है 800, 800 रुपये दिया गया है। अब देखिए वर्ष 5 वर्ष समय दे दिया गया है, समय कितना है 5 वर्ष। अब क्या देखिए वार्षिक दर मतलब 3/1/2 दर दे दिया गया है, दर बराबर 3/1/2 दर दे दिया। देखिए 2 3 2 6, 6 1 7, 7/2%। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या होता है। साधारण ब्याज याद करना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 बटे में 100। मूलधन कितना है 800, गुणे दर कितना है 7। देखिए बटे में, तो बटे में जो भाग है, ये भाग के भाग मतलब ये 100 से गुणा हो जाएगा, जो बटे में ये बटे में अगर रहेगा कुछ भी तो ये बटे में 100 हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा। देखिए गुणे कितना है, वर्ष लिख लीजिए, बटे दो है, बटे दो मतलब बटे दो में 2 गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, जब भी भाग में कुछ भी रहे उसको नीचे लिख दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए अब 2 0 से 2 0 कट गया, 2 4 8, 7 5 35, 35 4 35 140, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 140 रुपये, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यही होगा आपका आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन है 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन याद कीजिए। ब्याज तथा मिश्रधन याद कीजिए। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन का सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन माइनस प्लस साधारण, सा क्या होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, अगर मान लीजिए साधारण ब्याज, ब्याज हमको याद करना हो, मूलधन और मूलधन और मिश्रधन दिया गया हो तो माइनस में मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा। अगर मूलधन याद करना हो तो मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। अब देखिए क्या दिया, 1500 रुपये दिया गया, मूलधन दे दिया गया। देखिए मूलधन कितना है 1500 रुपये है और महीने कितने हैं 6, समय कितना है 6 मंथ है, मतलब 6 महीने, 6 महीने मतलब 1 साल का आधा आधा है। तो 1 वर्ष, अगर हम 1 वर्ष के स्थान पे हम एक आधा लिख देंगे कि नहीं, 1/2 वर्ष समय है, समय लिख देंगे, टाइम वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है, वर्ष दर दे दिया गया है, दर वार्षिक दर से दर कितना है 12%। हमको क्या याद करना है, साधारण ब्याज याद करना है। साधारण ब्याज निकालेंगे, SI बराबर
मूलधन, मूलधन गुणे समय गुणे दर, पटे में करते हैं। दिया गया 1600 का 3/3 1/2 वर्ष का 5/1/2 वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मतलब वर्ष देखिए कितना दिया गया, 3/1/2 वर्ष, और वार्षिक दर कितना दिया गया, 5/1/2 वर्ष। तो लिखेंगे मूलधन, मूलधन बराबर कितना दिया गया, 1600 रुपये। समय कितना दिया गया है, समय बराबर 3/1/2 वर्ष, ठीक है। अब कितना दिया गया है, वार्षिक दर, दर लिख लेंगे 5/1/2। ये कितना होगा, 3 × 6 7/2, 5 × 10 11/2। समय दर कितना है, इतना परसेंट, और समय कितना है, इतना वर्ष। अब देखिए ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 बराबर, बराबर पी बराबर क्या होता है, पी कितना है, 1600 रुपये। दर कितना है, दर दर 11 और समय 7। देखिए पट्टी में 2 है, 2 नीचे लिख दीजिए, समय भी ये भी 2 है, और 100, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 8 16 2 4 8। तो 11 7 77 और 77 में 11 से गुणा करेंगे कितना, 11 77 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 308 रुपये, यही आएगा। देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, बताए थे आपको, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन कितना है, 1600 रुपये, साधारण ब्याज कितना है, 308, और इसमें जोड़ देंगे कितना आएगा, 8 0 6 3 9 1 रुपये। तो ये मिश्रधन आपका यही आया है, यही आपका होगा आंसर। ये देखिए कितनी आसानी तरीके से हमने कर दिया है। तो हम क्वेश्चन दिया गया है, किसी धन का 6/1/4% वार्षिक दर ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाता है। धन याद कीजिए, मतलब मूलधन याद करना है। मूलधन, मूलधन का सूत्र भी आपको बताए थे। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया, दर दिया गया, दर दिया गया है, दर दर हम लिख लेते हैं। दर बराबर कितना दिया गया है, 6/1/4% दिया गया है, 6 × 24 और 1 25, 25/4%। समय दे दिया गया, समय लिख लेते हैं 3 वर्ष, ठीक है। अब क्या दिया गया है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना, 150 रुपये, ठीक है। हमको क्या याद करना है, मूलधन, मूलधन हमको याद करना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, बताए थे अभी आपको, साधारण ब्याज गुड़े 100 बटे में दर गुड़े समय। अब देखिए मान रख देते हैं, साधारण ब्याज का मान कितना है, 150 रुपये गुड़े 100, दर कितना था, दर आया था 25/4। देखिए 25/4, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, लेकिन 4 ही ऊपर जाएगा, ऊपर 4, अब इसको ऊपर लेके चलते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 4 भाग में ना, भाग इसको 100 से ऊपर में गुणा कर देते हैं। अब आया कितना, 3 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये आया है। अब देखिए काटेंगे 25 × 100 × 25 = 15, ठीक है। अब गुणा कर लेंगे, अब 5 × 20 20 × 80 मतलब 800, कितना आया, 800 रुपये। मूलधन कितना आया, 800 रुपये, यही आपको होगा आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, दिया गया है 7200 का 3 वर्ष का ब्याज 1080 है, ब्याज की दर बताइए, मतलब दर ज्ञात करना है। अब मतलब मूलधन कितना दिया गया है, 7200 मूलधन दे दिया गया, समय दे दिया 3 वर्ष, और ब्याज साधारण ब्याज देखिए दे दिया गया है, और दर को ज्ञात करना है। तो हम सब लिख लेते हैं, देखिए क्या दिया गया, मूलधन दे दिया गया है, मूलधन लिखेंगे, मूलधन बराबर दिया गया 7200 रुपये, समय दे दिया गया है, समय बराबर 3 वर्ष, ठीक है, और ब्याज दे दिया गया, साधारण ब्याज दे दिया गया, साधारण 1080 रुपये। अब क्या क्या करना है, दर, दर याद करना है, बराबर कितना था, दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 1000 बटे में दर, सॉरी दर नहीं, समय गुणे मूलधन,
क्योंकि हमको दर तो निकालना ही है। अब समता साधारण ब्याज कितना है, 1,080 रुपये गुणे 100, और बट्टे में कितना होगा, बट्टे में हो जाएगा, समय कितना है 3 वर्ष, और मूलधन हमारा था 7,200 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, और देखिए 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 1 बचा 3 6 18 0, और 72 से काटेंगे 360 तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो दर हमारा कितना आया, 5%। तो यही आपका होगा आंसर, यही आपका होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, दिया गया है 8,000 रुपये का 6.4% वार्षिक ब्याज में मिश्रधन 1,150 रुपये हो जाता है, मिश्रधन है ये, हो जा रहा है ना बाद में, मिश्रधन दिया गया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन दे दिया गया है, और ये क्या वर्ष दे दिया गया है, और मिश्रधन दे दिया गया, लेकिन साधारण ब्याज देखिए हमको यहाँ पे नहीं दिया गया है। साधारण ब्याज हम बताए थे कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया गया ये लिख लेते हैं। मूलधन दे दिया गया है, मूलधन दे दिया गया कितना, 800 रुपये, ठीक है। समय दे दिया गया है कितना, 6/6 = 4, कितना था, 6 6 24 1 25/4 वर्ष, ठीक है। अब क्या दिया गया है, ये मिश्रधन दे दिया गया है, मिश्रधन बराबर कितना है, 1,150 रुपये दिया गया है। हमको क्या क्या करना, दर ज्ञात करना, दर ज्ञात से मूलधन पता है, समय पता है, मिश्रधन, लेकिन साधारण ब्याज हमको नहीं पता है। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, तो साधारण ब्याज बराबर आपको बताया था ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना होता है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज कह रहे हैं, मिश्रधन, मिश्रधन बराबर कितना, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, कितना, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन कितना था, 1,150 रुपये, मूलधन था 800 रुपये, ये घटाएंगे कितना, इसमें से ये निकालेंगे कितना आएगा, 350 रुपये, ठीक है। साधारण ब्याज कितना आया, 350 रुपये आया। अब देखिए अब निकालेंगे दर, अब निकल जाएगा कि नहीं, देखिए दर निकलेगा तो आर बराबर कितना, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर ब्याज गुणे कितना, 100/ कितना, समय गुणे में कितना ज्ञात दिया गया है, समय दे दिया गया है, और मूलधन, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए निकाल लेते हैं कितना होगा, साधारण ब्याज कितना दिया गया, 350 रुपये/100। अब यहाँ समय, समय कितना दिया, 25/4 दिया गया, 25 लिखेंगे और 4 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर। अब मूलधन कितना दिया गया है, 800 रुपये, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, ठीक। अब देखिए कितना, 25 4 1 4 4 2 8, 5 5 25 5 7 75 बचा। अब यहाँ 70 से 5 काटेंगे, कितना, 5 1 5 और 2 बचा 5 20, 2 7 14, आर का मान कितना आया, आर बराबर है 7% आया। देखिए आर बराबर कितना आया, 7%। दर कितना है, 7%। वाह, यही आपका होगा, दिया गया है कितने समय में, समय हमको ज्ञात करना है, समय में 7,500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपये हो जाएगा। मतलब ये क्या दिया गया है, ये हो जाए, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मतलब मूलधन इतना दिया गया है, मूलधन साधारण ब्याज इतना दिया गया है, ठीक है। जो दिया गया सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, ये है 7,050 रुपये पर मूलधन दिया गया है, मूलधन, तो मूलधन कितना दिया गया, 7,500 रुपये, और दर कितना दिया गया है, 11% दिया गया है। साधारण ब्याज कितना दिया गया है, लिख लेंगे 4,125 रुपये। हमको ज्ञात क्या करना है, समय, हमको समय ज्ञात करना है, समय बराबर क्या होता है, लिखेंगे समय बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100/ में क्या होता है, मूलधन बट और गुड़े में स्तर, ठीक है। साधारण ब्याज कितना, 4,125 गुड़े में 100, और मूलधन कितना है, 7,500 रुपये बराबर 11, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट लेंगे, 2 जीरो से कटा। अब देखिए 75
अब 75 से हम काटेंगे कितना आएगा, 75 से काटिए देखिए आएगा, और फिर 11 से भी काटेंगे आएगा हमारा 5 वर्ष। समय कितना आएगा 5 वर्ष, आपका समय कितना आएगा 5 वर्ष, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, ये आपका होगा आंसर।